देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज अब रानी कमलापति के नाम से भी जाना जाएगा। पीएम मोदी ने आज इसका लोकार्पण किया। नमस्कार, मैं हूं पायल रावत और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के लोग हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर भोपाल की गोंद रानी रानी कमलापति के नाम पर रखने के लिए प्रधानमंत्री के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन का नाम गोंद रानी के नाम पर रखकर आदिवासियों का गौरव बढ़ाया है। रानी कमलापति भोपाल की अंतिम गोंद आदिवासी और हिंदू रानी थी। आज का दिन भोपाल के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए गौरवपूर्ण इतिहास और वैभवशाली भविष्य के संगम का दिन है। भारतीय रेल का भविष्य कितना आधुनिक है, कितना उज्जवल है, इसका प्रतिबिंब भोपाल के इस भव्य रेलवे स्टेशन में जो भी आएगा उसे दिखाई देगा। रानी कमलापति स्टेशन को पूरी तरह से रीडेवलप किया गया है। इस स्टेशन में एक एयर कॉन्कोर्स है जिसमें एयरपोर्ट की तरह दुकानें और कैफेटेरिया है। इस रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस किया गया है और ये देखने में किसी एयरपोर्ट की तरह नजर आता है। यहाँ पर एक साथ करीब 2000 लोग बैठ सकेंगे। मॉडर्न टॉयलेट, क्वालिटी फूड, म्यूजियम और गेमिंग जोन की भी यहाँ सुविधा है। स्टेशन पर जल्द ही स्पा भी खुलेगा। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर धक्का मुक्की नहीं होगी, एक रूफ से सभी प्लेटफॉर्म जोड़ दिए गए हैं। इस स्टेशन को सार्वजनिक निजी भागीदार PPP मॉडल के तहत तैयार किया गया है। रेलवे ट्रैक के नीचे सबवे बनाए गए हैं। यात्री सीधा स्टेशन से दोनों तरफ आसानी से अंदर व बाहर निकल सकेंगे। स्टेशन के सभी पांचों प्लेटफॉर्म को एक्सीलेटर और सीढ़ियों के जरिए जोड़ा गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए 169 कैमरे लगाए गए हैं। GRP और RPF की कंपनी के प्रशिक्षित लोग स्टेशन पर 24 घंटे नजर रखेंगे। यह स्टेशन पूरी तरह से फ्री स्मोकिंग जोन है। धुआं होने पर सेंसर तत्काल अलार्म बजे उठेंगे। पानी पीने के लिए काउंटर बनाए गए हैं। इसमें एक साथ 3 लोग पानी पी सकते हैं। इस स्टेशन पर 200 कर्मचारी दिन रात 3 शिफ्टों में काम करेंगे, जिससे स्टेशन पर गंदगी नहीं होगी। प्राइम न्यूज 24 के लिए पायल रावत की रिपोर्ट।